हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे लुसेना पोजीशन के बारे में, जो रुक एंड गेम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। रुक एंडिंग एक कॉमन एंडिंग माना जाता है चेस में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपके गेम्स में आती है और कुछ इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट आपका समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लुसेना पोजीशन रुक एंडिंग की एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें किसी एक साइड का एक एक्स्ट्रा पॉन ऑलमोस्ट क्वीनिंग स्क्वायर पर पहुंच जाता है और जो क्वीनिंग स्क्वायर है उस पर आपके ही खुद के राजा का सपोर्ट होता है। जैसा कि आप इस पोजीशन पर देख सकते हैं, D7 तक हमारा पैदल पहुंच गया है और D8 स्क्वायर पर हमारा राजा बैठा हुआ है। कुछ इसी तरीके की एक सिमिलर पोजीशन फिलिडोर पोजीशन होती है, जिसमें सारी चीज़ें सेम रहती है एक्सेप्ट अपोनेंट का राजा D8 स्क्वायर पर रहता है, आपका कंट्रोल उस स्क्वायर पर नहीं रहता है। ऑब्वियसली लुसेना पोजीशन एक विनिंग पोजीशन है और वहीं फिलिडोर पोजीशन एक ड्रॉइश पोजीशन है। हम लुसेना पोजीशन के कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड तरीके से समझने के लिए उसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वो पैदल कौन से फाइल पर है। पहला सी से लेके एफ फाइल तक के पैदल के लिए, दूसरा जी और बी फाइल के पैदल के लिए, और वहीं जो तीसरा रहेगा वो फ्लैंक फाइल ए और एच फाइल के लिए। पहला एग्जांपल जिसमें डी फाइल का पैदल ऑलरेडी 7th रैंक पर पहुंच चुका है और किंग आपका D8 पर है। इस पोजीशन में आपके पास में जीतने के दो प्लान हैं। पहला प्लान है ब्रिज बिल्डिंग का, जो हम जी और बी फाइल का जब पॉन को डील करते रहेंगे तब हम समझेंगे, क्योंकि उस पोजीशन पर ब्रिज बिल्डिंग के अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा जो इस केस पे प्लान है, देखिए एक सिंपल सा आपको रुक का ये मूव दिख रहा होगा। हमारी कोशिश रहेगी किसी तरीके से ये राजा को सी फाइल पर हम निकालें। उसके लिए हमको इस रुक को C8 में लेके जाना पड़ेगा, ताकि हम इस रुक को फोर्स करें कि इस फाइल से हट जाए। जैसे ही वो इस फाइल से हटेगा हमारा राजा बाहर निकलेगा एंड देन वी हैव दिस ए और बी फाइल, जिसमें हम डांस करते हुए अपने चेक को रोक लेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले तो एक बार चेक दे देते हैं ताकि राजा दूर हो जाए। ये हमेशा एक टेम्पो की चाल है, आपको रुक एंड गेम में ध्यान रखना है। अगर वो यहाँ किंग E6 आता है तो हमको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल सिंपली प्ले किंग E8 एंड D8 रुकता नहीं है, तो ऑब्वियसली ब्लैक ये खेलेगा किंग G7। अब हमारा जो एक्चुअल प्लान है, रुक A1 फॉलोड बाय रुक A8 और रुक C8। देखिए किंग F7 रुक A8, अभी भी हमारे पास में वो ऑप्शन है जिसमें अगर वो किंग E6 चलता है तो किंग E8 हम चलेंगे, तो किंग तो पास आ ही नहीं सकता। किंग विल प्ले F6 रुक C8, अब हटा उन्हें, अब मैं निकला अपना राजा। अगला थ्रेट है D8 इक्वल टू Q, तो ऑब्वियसली उनको कंटिन्यूस चेक देना पड़ेगा। देखिए रुक C2 चेक। अब आप समझ सकते हैं, देखिए राजा को किस तरीके से हमारे पास में दो फाइल का हम यूज़ करके डांस करते हुए एक तरीके का चेक रोकने का काम करेंगे, और उसके बाद में जो हमारा क्वीन है वो रुकने वाला नहीं है, तो ऑब्वियसली इस पोजीशन पर हम जीत चुके हैं। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है जिसमें ऑलरेडी बी फाइल का पैदल 7th रैंक पर पहुंच गया है और हमारा किंग B8 पर बैठा है। इस केस पे हमारा पिछला वाला जो अप्रोच था सिंपल सा, जिसमें हम अपने हाथी को C8 पर लेके गए थे, वो फार्मूला काम नहीं करेगा, बिकॉज हम अभी एक फाइल और मिस कर रहे हैं A फाइल के लेफ्ट साइड पर, तो ऑब्वियसली वो फाइल नहीं होने की वजह से हम अपने राजा को डांस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इस पोजीशन पर हमको एक नए कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ ब्रिज बिल्डिंग। तो ब्रिज बिल्डिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप 4th रैंक का यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमको चेक दे के भगाना है। अगर वो यहाँ पर किंग C6 आता है तो देखिए ऑलरेडी हमारे पास किंग C8 की मूव है, मेहनत करने की आगे ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली वो किंग E6 चलेंगे। अब हम सिंपल मूव खेलेंगे, दैट इज़ रुक D4। इस केस पे ब्लैक के पास कुछ ज़्यादा मूव्स नहीं है, लेट्स कंसिडर वो रुक A1 चलता है, तो वी विल प्ले किंग C7। अब देखिए हमारे पास में ये मैनूवर है, जैसे ही चेक दिया वी विल प्ले रुक B4। यही काम था ब्रिज बिल्डिंग का, जिसमें राजा और पैदल के सामने में ये जो रुक है वो ब्रिज की तरह खड़ा हो गया और आपको उसको पार करके जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप इस पोजिशन में ब्रिज बिल्डिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस गेम को ट्राई करते रहेंगे, बट आप कभी इस गेम को जीत नहीं पाएंगे, यही इस कॉन्सेप्ट की खासियत है। ये पोजीशन लुसेना पोजीशन के लिए एक एक्सेप्शन है। भले ही आपका राजा A8 पर बैठा है, एक क्रूशियल स्क्वायर इन्जॉय कर रहा है, बट क्योंकि अब आपके पास में लेफ्ट साइड पर जाने की जगह ही नहीं है, जो हमने B फाइल और G फाइल पर देखा था,
उस वजह से रुक आपका ऑलरेडी एक कंप्लीट फाइल कवर कर रहा है। आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से कुछ B8 पर ले जाके राजा को बाहर निकालने का, बट जैसे ही आप बाहर निकालेंगे देखिए आपको कंटिन्यूअस चेक्स पड़ेंगे, और साथ ही साथ ये राजा भी पास में है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ अ थियोरेटिकल ड्रॉ। बट मज़े की बात, इस एक्सेप्शन में भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि आपका राजा अगर गलती से दूर हो जाता है, टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर आप 4 फाइल दूर रखने में कामयाब हो जाते हैं राजा को अपोनेंट के, तो आप इस मैच को जीत सकते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल एक्चुअली वाइट के लिए विनिंग है। देखिए कैसे, हमारा प्लान अभी भी सेम है कि हमको अपने हाथी को B8 पर लेके जाना है। वी विल प्ले रुक H2। ऑब्वियसली राजा इधर तो जाएगा नहीं, उसको भागना ही पड़ेगा अपने पॉन की तरफ। किंग E7, रुक H8। अब देखिए यहाँ पर दो मूव है, किंग D7, किंग D6। लेट्स कंसीडर वो पहले किंग D7 चलता है, हम रुक B8 चलेंगे, फॉलोड बाई इस पोजीशन पर राजा बाहर निकलेगा। अगर ये चेक आता है तो देखिए हमारे पास में ये चाल है, एंड देन वी हैव दिस C5 स्क्वायर। C5 स्क्वायर हमारे पास भागने का है, दैट्स वाई वी विल सिंपली विन द गेम। बट वहीं इस केस पर अगर राजा D6 चलता है तो देखिए उसने क्रूशियल C5 स्क्वायर को कवर कर लिया, इसलिए बेहतर मूव है D6। हम अपने प्लान पर रहेंगे, वो रुक H1 चला, वी विल प्ले किंग B7। अब चेक देना ही पड़ेगा। अब हम किंग A6 जाने के बजाय चलेंगे किंग C8। बट मुसीबत अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, बिकॉज रुक विल गिव अ चेक। अब ये एक चेकमेट की थ्रेट लगा दिया उनने। इस पोजीशन पर आप ऑब्वियसली क्वीन नहीं बना सकते। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड थिंक कि इस पोजीशन पर आप रहेंगे तो आप क्या करेंगे। इफ़ यू हैव गेस्ड इट राइट, वी विल गिव अ चेक, रुक B6 चेक। अगर किंग C5 आता है, ऑब्वियसली किंग E5 तो नहीं आएंगे, अगर किंग C5 आते हैं तो वी विल गिव अ चेक एट C6। ऑब्वियसली आप मार नहीं सकते, किंग क्रॉस C6 वजीर बन जाएगा। यहाँ पर आपके पास में दो चाल है, एक है B5 और एक है D5। आइए देखते हैं B5 में क्या होगा। B5 का आइडिया ये है कि हम इस A6 स्क्वायर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वी विल सिंपली प्ले रुक C8। अब अगर आप चेक देते हैं तो देखिए हाथी के आड़ पर राजा छुप गया और अगली चाल वजीर बनने वाली है। अगर आप किंग D5 चलते हैं तो हम चलेंगे सिंपली रुक A6 चेक, देखिए राजा को छुपने की जगह मिल गई, एंड दैट्स हाउ वी वॉन द गेम। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लुसेना पोजीशन के H फाइल पर जीतने की कोशिश करते हैं अगर राजा 4 फाइल से ज़्यादा दूरी पर रहता है। एक इंटरेस्टिंग आपको मैं एग्जांपल इस पोजीशन पर बताना चाहता हूँ। अगर कभी ऐसी पोजीशन आती है और ब्लैक आप खेल रहे हो, तो आपके पास में एक छोटा सा डिफेंस है जिसको आप बेसिकली डिफेंस नहीं कहेंगे, एक छोटी कोशिश है जिसमें आप ड्रॉ करने का ट्राई कर सकते हैं। अच्छी चाल है रुक B3। देखिए हम इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द फर्स्ट रैंक, हम अपने हाथी को 3rd रैंक पर खिलाने की कोशिश करेंगे। अगर अब इस पोजीशन पर वो रुक H2, हम सेम आइडिया पे काम करते हैं। इन दिस केस हम अपने हाथी को हटाए, चेक, मेटिंग थ्रेट। मेटिंग थ्रेट पर अगर वो रुक B6 चेक देता है तो वी विल प्ले किंग C5, रुक C6, किंग क्रॉस A6। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। देखिए पिछली बार अगर ऐसी सिचुएशन पर वजीर बनता था तो हमारा हाथी मरता था। मज़े की बात यह है कि रुक H3 ही एकमात्र इस पोजीशन पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर वजीर बनता है तो वो कंटिन्यूस चेक्स दे के H3 के रुक को मार नहीं सकता। तो ऐसी पोजीशन को आप ट्राई कर सकते हैं डिफेंड करने के लिए। क्वीन वर्सेस रुक एक बहुत ही ट्रिकी एंड गेम है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे लुसेना पोजीशन के। अगले वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।